नमस्कार, गोरखपुर न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं सुनय पांडे। खबरों के विस्तार में जाएंगे और पूरे गोरखपुर शहर के साथ साथ जिले का भी हाल बताएंगे, लेकिन सबसे पहले हेडलाइंस। गोरखपुर लोकसभा उपचुनाव में सभी बूथों पर लगेगी ईवीएम के साथ वीवीपैट मशीन। आरटीओ कार्यालय में हुआ फेल को पास करने का खेल। मामला खुलने पर बयानों से लीपापोती करने का कर रहे हैं असफल प्रयास। भाई ने ही की थी भाई की हत्या, पुलिस ने किया खुलासा। विश्वविद्यालय शिक्षक संघ के पदाधिकारियों ने कुलपति को अपने मांग संबंधी सौंपा ज्ञापन। पूर्वांचल बैंक के अध्यक्ष ए के सिन्हा ने प्रेस वार्ता कर कहा किसी भी मामले से कम नहीं है पूर्वांचल बैंक। असलहा बनाने वाले गैंग का पुलिस ने किया खुलासा, चार गिरफ्तार। प्रभारी जिलाधिकारी सीडीओ अनुज सिंह ने दिया निर्देश, अतिक्रमण हटाने के बाद यदि पुनः अतिक्रमण हुआ तो दर्ज होगी एफआईआर और देना होगा जुर्माना। जिले के सभी 5 वनटांगिया गांव अब राजस्व गांव हुए, शासन ने जारी की अधिसूचना। नगर निगम कर्मचारी समन्वय समिति का धरना प्रदर्शन जारी, बैठे भूख हड़ताल पर। किसान मित्र योजना बहाल करने की मांग को लेकर किसान मित्रों ने नगर निगम रानी लक्ष्मीबाई पार्क में की बैठक। और गुरु गोविंद सिंह का मनाया गया प्रकाश पर्व, युवाओं ने किया शौर्य प्रदर्शन। अब खबरें विस्तार से। आगामी लोकसभा उपचुनाव के सभी बूथों पर ईवीएम के साथ वीवीपैट मशीन लगाया जाएगा। प्रभारी जिलाधिकारी सीडीओ अनुज सिंह ने प्रभारी अधिकारी ईवीएम को निर्देश दिया है कि तैयारी पूरी कर लें। उन्होंने बताया कि इस निर्वाचन में कुल 2900 ईवीएम का प्रयोग होगा। इतनी ही संख्या में ही वीवीपैट मशीन लगाई जाएगी जो कि हैदराबाद से प्राप्त हो रही है। उन्होंने निर्देश दिया कि सभी मशीनों की जांच पूरी कराने, इसके लिए 21 इंजीनियर तैनात किए गए हैं। अभियंता ने बताया कि 432 बैलेट यूनिट और कंट्रोल यूनिट की जांच पूरी कर ली गई है। उन्होंने निर्देश दिया कि जांच पूरी करने के बाद मशीनों को ऑनलाइन अपलोड करा लें। अभी तक 36 मशीनों को अपलोड किया जा चुका है, यह कार्य 6 जनवरी तक पूरा कर लिया जाना चाहिए। उन्होंने संबंधित उप जिलाधिकारियों को निर्देश दिया है कि सभी बूथों पर आवश्यक सुविधाओं की जांच कराकर रिपोर्ट दे दें, जहां कमी हो वहां उसे विभाग से ठीक कराया जाएगा। साथ ही सेक्टर जोन का चिन्हांकन, रूट चार्ट, कम्युनिकेशन प्लान दे दें। मतदेय स्थल का एसडीएम तहसीलदार स्वयं सत्यापन करके रिपोर्ट देंगे। उन्होंने मनोरंजन अधिकारी को निर्देश दिया है कि पर्याप्त संख्या में डिजिटल कैमरा, सीसीटीवी कैमरा और वीडियो कैमरा की उपलब्धता सुनिश्चित करा लें। उन्होंने अन्य प्रभारी अधिकारियों को तैयारी पूरी करने का निर्देश दिया है। बैठक का संचालन उप जिला निर्वाचन अधिकारी एडीएम प्रशासन प्रभुनाथ ने किया। इसमें सीआरओ बलराम सिंह, मुख्य कोषाधिकारी केडीएन द्विवेदी, उप निदेशक बचत विजय नाथ मिश्रा, रेखा गाडिया, विवेक श्रीवास्तव, राहुल पांडे और प्रभारी अधिकारी गण उपस्थित रहे। इस बार ऑनलाइन नहीं तो सुधरने की गुंजाइश नहीं है। नहीं नहीं, जैसे वो था ना जेनेसिस वाला था, सुधार कर सकते हैं। नहीं, इसमें नहीं, इसके बाद भाई जब देखिए सुधारने का ऑप्शन तो लास्ट टाइम तक या लास्ट जो भी टाइम दिया रहेगा तब तक तो सुधार ही सकते। नहीं, इसमें नहीं है। यदि आपने गलती कर दिया तो फिर सुधरेगा नहीं। नहीं तो पोस्टल बैलेट की कहीं फील्डिंग करनी पड़ेगी ना उसके लिए। मतलब मेरे ख्याल से तो वो जेनेसिस जब लॉक कर देते थे तो उसके बाद तो वैसे भी ऑप्शन नहीं रहता था, लेकिन इसमें नहीं है। इसमें उन्होंने स्पष्ट कहा है कि इसमें पोस्टल वाले में आप एकदम सावधानी बरती है, उसमें कोई गुंजाइश नहीं है। उसके बाद फिर अब करेक्शन करने का कोई मतलब नहीं है ना।
पोस्टल वाले को अलग से कुछ फीड करना है। मुझे लगता है वही जेनेसिस से ही उठाएगा वो, बस फोटोज वोटोज हटा के बस नाम उठा के खुद ही बनाएगा। संभागीय परिवहन अधिकारी कार्यालय में RI की ID को हैक करके 39 फेल अभ्यर्थियों को पास कर लाइसेंस जारी करने का मामला सामने आया है, जिसको लेकर विभागीय अधिकारियों में अफरा तफरी मची गई है और मामले की लीपापोती करने का प्रयास किया जा रहा है। मामला 1 जनवरी का है, जहां पे RI के छुट्टी पर रहने के बावजूद प्रार्थना पत्र को स्वीकृत कर दिया गया। इस संबंध में मुख्यालय से आए जोनल परिवहन कमिश्नर DK त्रिपाठी ने गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए बताया, ऐसा है कि 1 तारीख को कुल लर्निंग लाइसेंस के 84 एप्लीकेंट्स आए थे, जिसमें 48 पास हुए थे और 36 फेल हुए थे। लेकिन 2 तारीख को जो रिपोर्ट निकलती है नेक्स्ट डे, उसमें ये पाया गया कि 87 लोग पास कर दिए गए हैं और 41 फेल कर दिए गए हैं। 1 तारीख को जो लाइसेंस के अधिकारी हैं तकनीकी RI जयसिंह, वो थे नहीं, उनकी ID को दुरुपयोग किया गया। अभी हम ये नहीं कह सकते कि हैक की गई या किसी को जानकारी थी, उनकी ID का दुरुपयोग करते हुए 39 लाइसेंस और पास कर दिए गए और ये दिखाया गया कि 128 टेस्ट हुए हैं, क्योंकि टेस्ट ARTO ने लिया था और उन्होंने 84 का लिया था। ऐसी स्थिति में प्रथम दृष्टया ये है जो 39 लाइसेंस हैं दूसरे के ID से, ये है प्रथम दृष्टया गलत पास किए गए हैं। इस पे किसी भी कर्मचारी के विरुद्ध कार्रवाई करने के लिए नैसर्गिक न्याय के अंतर्गत और नियमों के अंतर्गत उन्हें कारण बताओ नोटिस दिया जाना आवश्यक है, वो आज जारी कर दी गई है। कल 11 बजे तक का उन्हें समय दिया गया है कि आप अपना जवाब दें और 11 बजे तक जो भी जवाब होगा उसके बाद, क्योंकि वह वरिष्ठ हैं इसलिए उनके निलंबन या अनुशासनिक कार्रवाई के लिए मुख्यालय को पत्र संदर्भित कर दिया जाए। इस संबंध में जब RI जयसिंह ने गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए स्वीकार किया कि उस दिन वे छुट्टी पे थे, उनके संज्ञान में जब मामला आया तो उन्होंने अप्लीकेशन को निरस्त कर दिया है। छुट्टी भी गए थे? हाँ, एक और दो को भी छुट्टी। क्या हुआ फिर? एक को जो है कुछ पता लगा, कुछ लाइसेंस कुछ इसने कर दिए, तो मैं आके उसकी जांच किया, जांच में सारे काम मैंने रोक दिए और उनको उन आवेदनों को मैंने निरस्त करा दिया। वहीं दूसरी तरफ गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए ARTO परिवर्तन सूरज रामपाल ने मामले की लीपापोती करते हुए कहा, सर क्या हुआ? अब पता चला था कि RI साहब के जो है कोर्ट से कुछ लाइसेंस हुए हैं, लेकिन RI साहब से जांच कराई गई और RI साहब ने कहा है कि मैंने अपना जांच करके देखा है, कोई भी मतलब इसमें नहीं किया गया है और कोई अनियमितता नहीं हुई है। पिपराइच थाना अंतर्गत के जंगल छत्रधारी में 31 दिसंबर की रात में हुई हत्या का आज पुलिस ने खुलासा कर दिया है। पुलिस लाइन सभागार में आयोजित पत्रकार वार्ता में SP नॉर्थ गणेश प्रसाद शाह ने घटना का खुलासा करते हुए कहा कि गुड्डू ने ही अपने छोटे भाई छोटू चौहान की गड़ासे से मारकर हत्या की थी। गुड्डू को शक था कि उसके भाई छोटू का उसकी पत्नी से अवैध संबंध है, साथ ही प्रॉपर्टी का भी लालच हत्या की वजह बना। SP नॉर्थ ने बताया कि हत्या में प्रयुक्त गड़ासा भी पुलिस ने बरामद कर लिया है। SP नॉर्थ ने बताया, तिथि ये 31 की रात में किया था, 1 तारीख को 3 बजे सूचना मिली थाने पर, घर में वो सोया था, सोने में ही ये काट करके पत्नी की भूमिका अवैध संबंध का है। ठीक है, कुछ दिन पहले एक हत्या का मामला आया था, मामले में तस्दीक की गई तो गुड्डू चौहान जो मृतक का भाई है और मृतक शेरू चौहान की पत्नी के साथ इनके अवैध संबंध की बात प्रकाश में आई, इसी को लेकर दोनों भाइयों में मतभेद रहता था और मौके का फायदा उठा के इन्होंने इसकी हत्या कर दी।
हत्या में जो प्रयुक्त हुए हथियार है, गटासा है, धारदार है, वो बरामद कर लिया गया है। अभियुक्त भी फरार होने की चेष्टा में थे, तो फिर पिपराइज के जो प्रभारी एसओ हैं उनके द्वारा टीम बनाकर प्रयास किया गया, उनको गिरफ्तार कर लिया गया। विश्वविद्यालय के चीफ प्रॉक्टर के घर पर हुए अराजक तत्वों के द्वारा पथराव के मामले में दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय शिक्षक संघ के सदस्यों ने गुरुवार को कुलपति से मिलकर अपने मांग संबंधी ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन देने आए शिक्षक संघ के पदाधिकारियों में संघ के अध्यक्ष विनोद कुमार सिंह, महामंत्री उमेश यादव सहित संघ के अन्य पदाधिकारी और शिक्षक मौजूद रहे। चीफ प्रॉक्टर के घर पर हमले के मामले के अलावा इन शिक्षकों की मांग है कि प्रोफेसर कॉलोनियों में बिजली पानी की समुचित व्यवस्था नहीं है, जिससे अध्यापकों का उस कॉलोनी में रहना दूभर हो गया है। गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए विश्वविद्यालय शिक्षक संघ के अध्यक्ष प्रोफेसर विनोद कुमार सिंह ने बताया, कार्यकारिणी समिति की बैठक हुई थी जी। अभी 27 तारीख को एक घटना हुई थी, हमारे चीफ प्रैक्टर के आवास पर पथराव किया गया था, तो उस पर उन्होंने बाई नेम FIR भी कराया, कुछ लोगों चार लोगों के खिलाफ या पांच लोगों के खिलाफ बाई नेम FIR, 50 अज्ञात के खिलाफ। अभी तक जिला प्रशासन ने उस पर कोई कार्रवाई नहीं की और लगातार इधर महीनों से बिजली और पानी की जो मूलभूत आवश्यकता है बड़ी गंभीर समस्या है। दो दो दिन लगता है कि पानी नहीं आ रहा कॉलोनी में, उसी से रिलेटेड छात्रों की भी समस्या है, पानी वहाँ भी नहीं आता है, ना कॉलोनी में आता है, ना छात्रों के पास आता है। अब बिजली लगातार चली जा रही है, अब ट्रांसफार्मर उसी दिन जिस दिन लगा ट्रांसफार्मर नया उसी दिन चल गया, तो या तो उस कैपेसिटी का ट्रांसफार्मर नहीं आ रहा है, या तो जितनी कैपेसिटी हमारी है जितनी हम कंज्यूम कर रहे हैं उसके रेशियो में ट्रांसफार्मर लगे, ये क्या पैसा विश्वविद्यालय का बर्बाद हो रहा है और काम भी नहीं हो रहा है, तो ये बहुत गंभीर चिंता है। इस पर हम लोगों ने कल प्रस्ताव पास किया है और जिला प्रशासन को भी हमने दिया है कि एक सप्ताह के अंदर उनकी गिरफ्तारी करें, नहीं तो हम लोग फिर आम सभा के थ्रू कोई कड़ा निर्णय लेंगे। और साथ ही साथ आज विश्वविद्यालय प्रशासन कुलपति और विश्वविद्यालय जितने प्रशासनिक अधिकारी हैं सबके साथ उस प्रस्ताव पर बैठक है और हम लोग चाहते हैं कि कोई स्थायी समाधान निकले बिजली पानी का और प्लस जो अराजक तत्व थे उनके खिलाफ कार्रवाई। पूर्वांचल बैंक के अध्यक्ष AK सिन्हा ने अपने तारामंडल स्थित प्रधान कार्यालय में एक प्रेस वार्ता का आयोजन कर बताया कि पूर्वांचल बैंक किसी भी बैंक से किसी भी मामले में कम नहीं है, साथ ही ये बैंक अपने आप को डिजिटलाइज तौर पर हर रोज अपडेट करते हुए ग्राहकों की सेवा के लिए बेहतर प्रयास कर रहा है। पत्रकारों से बातचीत के दौरान उन्होंने बताया, जो राज्य सरकार की ऋण मोचन योजना है, इस ऋण मोचन योजना को हमारे बैंक ने शुरू से ही इसमें काफी उत्साह से भाग लिया। मुझे ये बताते हुए खुशी हो रही है कि करीब इस ऋण मोचन योजना में हमारे 4,71,000 किसान जो है उनके फसली ऋण खातों में 1,058 करोड़ रुपए का ऋण मोचन अमाउंट प्राप्त हुआ, जो उनके खाते में सेम डे हम लोगों के द्वारा डाल दिया गया। और ये संख्या जो 4,71,000 किसानों की संख्या है, ये पूर्वांचल की सबसे हाईएस्ट संख्या है, किसी भी बैंक द्वारा इतने किसानों को एक साथ लाभान्वित नहीं किया गया है। इसके अलावा जो राज्य सरकार की योजना उन ऋण मोचन की योजना उन लोगों उन किसानों के लिए है जिनका खाता NPA डिक्लेयर्ड है, तो ऐसे 68 करोड़ के हमारे 8,500 किसान हैं जिनको ये ऋण मोचन में अभी पैसा नहीं मिला है। उसमें जो राज्य सरकार ने प्रस्ताव किया था कि इसका 25% बैंक देगा और 75% हम देंगे, इस प्रस्ताव को हमारे बैंक ने मान लिया है, हमारे बैंक के बोर्ड ने इसको अनुमोदित कर दिया है और हमने राज्य सरकार को इसका सूचना दे दिया है। आज मुझे आज के दिन मैं ये प्रेस वार्ता कर रहा हूँ, तो आज ये फीड हो रहे हैं पोर्टल पे राज्य सरकार के, और निकट भविष्य में विद इन मंथ हमारे ये 8,500 जो कृषि भाई हैं उनके खातों में मिल जाएगा। आपके माध्यम से मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि ये 1,00,000 तक का ही ऋण मोचन और सहायता राज्य सरकार के द्वारा है, ऐसे में 33,000 1/4 हमारा पड़ता है, तो ऐसे सारे किसान जिनका 1,33,000 से ज़्यादा बकाया है, उनका खाता खराब है, शेष राशि को जल्दी से जल्दी जमा कर दें ताकि उसे 1,33,000 का फायदा वो पा जाए। सर आपका NPA जो है वो 8.70 है, ये कितना और कम हो सकता है, क्या लक्ष्य है आपका? नहीं, हमारा लक्ष्य तो 5% से नीचे है,
पिछले साल जो एक बेंचमार्क बनाया गया था 7% उसकी जगह पर हमारा 6.96 था। पिछले बार भी हम बेंचमार्क से नीचे थे, लेकिन राज्य सरकार का जो 1000 करोड़ से हमारा ऋण खत्म हुआ, ये सारे स्टैंडर्ड खातों में खत्म हुआ है। इससे हमारे एनपीए में इंक्रीज हो गया है और परसेंटेज वाइज हमारा इंक्रीज हो गया है, अमाउंट वाइज घटा है। लेकिन इसके बावजूद एक एनपीए क्लीनिंग का हमारा एक सिस्टम चल रहा है, हम हर प्रोडक्ट को देख रहे हैं, तो एनपीए थोड़ा सा हमारा इसके लगभग रहेगा, क्योंकि हमारा जो लक्ष्य है 5% से नीचे, ये दुर्गामी लक्ष्य है। ये मैं नहीं कहता हूँ ये लक्ष्य इस मार्च तक है, ये दुर्गामी लक्ष्य है जो हमें 1-1.5 साल में पूर्ण कर लेना है। तो उसके लिए सबसे जरूरी है कि जो एक्चुअल एनपीए हैं उनको हम शो करें। सर इसके लिए बहुत ही अच्छा हम लोगों ने एक योजना बनाया, हमारे हर जिले में सीपीसी खुल गया है। सीपीसी का मतलब है कि वो क्रेडिट प्रोसेसिंग सेल है, और हमने हर शाखा को कह दिया कि 5 लाख से ऊपर का अगर कोई ऋण है या ट्रैक्टर कंबाइन हार्वेस्टर इस तरह का ऋण है तो वो केवल सीपीसी से होगा। और ये सारे सीपीसी हमारे रीजनल ऑफिस में खुले हुए हैं, ताकि जो ऋणी हैं वो डायरेक्ट हमारे यहाँ अप्रोच कर लें या हमारी शाखा में अप्रोच करें, शाखा उनको भेज देगी। और ये हैसल फ्री लोन होगा, क्योंकि ये 11 हमारे रीजन में 11 सीपीसीज हैं जिनको हमारे जीएम पूरी तरह से कंट्रोल किए हुए हैं। तो 571 शाखाओं में जो दिक्कतें होती थी वो दिक्कत 11 में जब आएगी और उसको प्रॉपर मॉनिटरिंग होगी, तो मुझे लगता है अब भविष्य में हैसल फ्री होगा। और ये भी यूपी के जो 7 RRB हैं उनमें ये अनोखा प्रयोग है, ऐसा दूसरे किसी RRB में नहीं। ये पॉस मशीन से जब भी किसी को पैसे की आवश्यकता है, अपने पास ATM कार्ड है उसके पास, तो वो 2000 तक का भुगतान भी प्राप्त कर लेता है। चूँकि जो भुगतान देने वाली व्यवसायी हैं उनको बैंक उसके लिए कमीशन अलग से देता है, इसलिए सारे लोग इसको देने के लिए है, निर्देश भी है और वो उद्दत भी रहते हैं देने। बड़हलगंज थाना क्षेत्र में असलाह बनाने वाले गैंग का पुलिस ने खुलासा करते हुए 4 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस लाइन सभागार में आयोजित पत्रकार वार्ता में SP साउथ ज्ञान प्रकाश चतुर्वेदी ने बताया कि बड़हलगंज थाना अंतर्गत नवलपुर बंधे के पास झोपड़ी में नाजायज तौर पर असलाह बनाकर वहीं से सप्लाई का काम किया जाता था। मुखबिर की सूचना पर पुलिस पार्टी द्वारा दबिश दिए जाने पर मौके से अभियुक्त मोरिक यादव पुत्र प्रहलाद यादव, गोविंद यादव पुत्र राधेश्याम, सोहन विश्वकर्मा पुत्र रमापति, अजय विश्वकर्मा पुत्र जयप्रकाश को गिरफ्तार कर लिया गया है, जिसके पास से 12 बोर का 3 तमंचा और 3 जिंदा कारतूस, 315 बोर का 1 तमंचा और 1 कारतूस, 1 ड्रिल मशीन, 2 चोरी की अपाची मोटरसाइकिल सहित अन्य सामान बरामद हुआ है। SP साउथ ज्ञान प्रकाश चतुर्वेदी ने बताया। ये बड़हलगंज थाना अंतर्गत SSP सर के द्वारा ये निर्देश दिया गया कि किसी तरह की किसी भी प्रकार के अपराधियों के खिलाफ जानकारी इकट्ठा की जाए, उसको मजबूत कंक्रीट के साथ कार्रवाई हो, गिरफ्तारी हो। इसके तहत हमारे SO बड़हलगंज को ये जानकारी मिली कि एक असलाह बनाने की फैक्ट्री उनके क्षेत्र में रुके छुपे तरीके से नवलगढ़ बंदे के पास कार्य कर रही है। इस सूचना पे इन्होंने कार्रवाई आरंभ की और उस कार्रवाई में इन्होंने 2 व्यक्तियों को इस आशय से गिरफ्तार किया कि वो लोग इस काम में लगे हुए थे। बिल्कुल सही सूचना थी, उनके पास तमाम इंस्ट्रूमेंट जो असलाह बनाने के लिए प्रयुक्त होते हैं वो प्राप्त हुए हैं। और ये बहुत अच्छा काम ये रहा कि इसी में 2 व्यक्ति उसे क्रय करने के लिए, उसे खरीदने के लिए भी आए थे, उन दोनों की भी वही मौके पर गिरफ्तारी की गई। उसमें असलाह भी बरामद हुए हैं, इंस्ट्रूमेंट बरामद हुए तथा 1 अपाचे मोटरसाइकिल भी बरामद की गई है। संबंधित धाराओं में इनके विरुद्ध मुकदमा लिख करके आवश्यक कार्रवाई की जा रही, जिसमें गिरफ्तार गोविंद जो है इसके बहुत विशेष आपराधिक इतिहास पता चला है, 2302 में ही रहा है, काफ़ी दुर्दांत है ये। इसकी क्रिमिनल हिस्ट्री हमने प्राप्त कर रखी है, सोहन की भी प्राप्त कर रखी, बाकी लोगों की क्रिमिनल हिस्ट्री तैयार की जा रही है और आगे भी कार्रवाई की जाएगी। हाँ, जिन लोगों ने बताया है, जिन्हें बताया उन्हें हम लोगों ने चिन्हित कर लिया है और उस चिन्हीकरण के बाद इसको मेरी टीम गठित करके स्वयं उसका नेतृत्व करते हुए उस पर कार्रवाई कर रहे हैं, बहुत शीघ्र उसका भी खुलासा होगा।
जिले के सभी कार्यालय विभाग अपना संपत्ति रजिस्टर करा लें, साथ ही इस आशय का प्रमाण पत्र भी दें कि उनके किसी भूमि या भवन पर अब अतिक्रमण नहीं है। उक्त जानकारी अपर जिलाधिकारी प्रशासन ने दी। कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित एंटी भू माफिया बैठक में उन्होंने कहा कि शासन स्तर पर इस योजना में कार्रवाई पर गहरा असंतोष व्यक्त किया गया है। उन्होंने कहा कि जिन विभागों ने अवैध कब्जे की सूचना नहीं दिया और बाद में अतिक्रमण की शिकायत मिली और उसे प्रशासन ने हटाया, तो संबंधित जिम्मेदार अधिकारी को चेतावनी जारी की जाएगी। उन्होंने निर्देश दिया कि एंटी भू माफिया पोर्टल पर अतिक्रमण युक्त भूमि का विवरण अंकित करा लें, साथ ही शिकायतकर्ता अधिकारी का नाम, पदनाम, मोबाइल नंबर भी फीड करा लें। प्रभारी जिलाधिकारी सीडीओ अनुज सिंह ने निर्देश दिया है कि अतिक्रमण हटाने के बाद यदि पुनः अतिक्रमण होता है तो थाने में FIR दर्ज कराएं, साथ ही अतिक्रमण हटाने में हुए व्यय को जुर्माने सहित वसूल करें। ठीक है, जब ये मीटिंग आप लोग करवाते हैं उसके पहले सभी को फोन कीजिए, सभी को सूचित कीजिए कि आपका जिम्मेदारी बांट दीजिए काम करने की। बिल्कुल, मतलब ऐसे चेहरे ऐसे लग रहे हैं जैसे कि इनके ऊपर जुल्म हो रहा है। यहाँ पे जाके आप भी खड़े हो जाइए, इसमें एंटी भू माफिया और इलेक्शन पे लोग रहेंगे। देखिए, इसमें आप लोगों में बता दूं कि जो नोडल अधिकारी आए थे 1/1/2018 का, कि उस दिन पे जितने भी लोग पात्र थे उन सभी को पेंशन से संतुलित करना है और समय दिया है उन्होंने फरवरी के अंत तक, 28 फरवरी तक, मतलब आपको 2 महीने का पूरा समय दिया उन्होंने। अब इसमें आप बैठ जाइएगा, मेरी बात हुई है सत्रिशि जी से, ठीक है, इनको मैंने बताया है, इनके साथ डिस्कशन होकर तय हुआ है कि किस तरह से काम होना है। आपके भी स्टाफ रहेंगे, आप यार नए हो थोड़ा सा, मतलब सर सुबह गए थे सुबह जाके बैठ के चाय मत पिया करो, कुछ काम कर लिया करो, ठीक है। तो बैठिए अभी इनके साथ, आप इनसे थोड़ा देखिए कि कैसे मैंने कहा है और हमने कैसे सोचा है काम होगा, और वो सूची बनाइए, ठीक है। ठीक, क्या हुआ यार आप इतना लेट से आए, क्या स्थिति है इसमें? आइए वहाँ पे चौहती ले लीजिए यार, मुख्यमंत्री जी आए थे उस दिन भी 17 TTS की सैंक्शन था, उस दिन भी आप चौहती खोज के आ गए, आपको चौहती नहीं मिली। ये इसमें आपको वर्कआउट करना पड़ेगा यार, आप इस बीच में कभी गए नहीं वहाँ पे, आपसे संपर्क करके लेखपाल को लेके जाइए वहाँ पे, क्यों चौहती वहाँ पे मिलना कोई मुश्किल काम नहीं है, ये जरा भी मुश्किल थे यही आपको बता देंगे साहब, इस जगह आप मतलब बना दीजिए। अच्छा, इसके अलावा आपका जो जो DPR है, मतलब जो भी आपका प्रोजेक्ट है वो ग्राम सभा को आप सबमिट करेंगे तब उसकी अनुमति जिला स्तरीय समिति से मिलेगी, तो ये आप परसों कीजिए ना। हमने कहाँ के लिए लिखवाया था, विश्वनाथपुर के, कितने चाहिए, 3 चाहिए। 29th प्राप्त हुआ है, इसमें काफी कुछ वहाँ पर अप्रसन्नता व्यक्त की गई है एंटी भू माफिया के संबंध में, और उसी परिप्रेक्ष्य में पत्र जारी हुआ है। पहला बिंदु तो ये है कि अपने विभाग से संबंधित जो भी आपने चिन्हांकन किया था दोबारा इसको एसेस कर लीजिए, कोई छूटा तो नहीं ना है, और प्रमाण पत्र आपको देना रहेगा कि कोई भी ऐसा अब नहीं छूटा है जो कि अतिक्रमणग्रस्त हो। एक तो चिन्हांकन करना है, चिन्हांकन आपके द्वारा किया गया तो उसमें कुछ हटा है कुछ नहीं हटा है, लेकिन PWD वाले आए थे उनके द्वारा कहा गया था कि आज लेकर के आएंगे, जो आपका कंसर्न यही होगा उसी को शिकायतकर्ता मान करके उसी का मोबाइल नंबर ये सब डिटेल दे करके उसकी फीडिंग होनी है। और तीसरा ये बिंदु है कि आप प्रमाण पत्र देंगे, इस आशय का प्रमाण पत्र प्राप्त कर लिया जाए कि अवैध अतिक्रमण का कोई प्रकरण छूटा नहीं है। और चौथा है कि आपका जो विभागीय संपत्ति रजिस्टर है इसको आपको अद्यतन करना है, कुछ विभागों में यदि नहीं होगा उनका अपना संपत्ति रजिस्टर तो इसको जरूर बना लेंगे और इसको अद्यतन रखेंगे। ये चीफ सेक्रेटरी साहब का स्पष्ट लिखा है कि
जिला स्तरीय अधिकारियों के माध्यम से शासकीय भूमि पर चिन्हांकित अवैध कब्जे का विवरण प्राप्त कर लिया जाए तथा उनसे इस आशय का प्रमाण पत्र भी प्राप्त किया जाए कि अवैध अतिक्रमण का कोई प्रकरण छूटा नहीं है। समस्त विभाग अपनी विभागीय संपत्ति रजिस्टर को एक पक्ष के अंदर अद्यावधिक कराने हेतु तो आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे। आपके जो है अधिकतर अभियंता फोन किए थे और वो कह रहे थे कि आप लोग अपनी कार्य योजना बनाइए। थोड़ा जोर से बोलिए नहीं। उसके बाद से नगरी है कि ग्रामीण है आप सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद ही उसमें नगरी रहेगा तो नगरी कौन सी भूमि है अतिक्रमण की भूमि के प्रकार में आपके डिवीजन सेलेक्ट हो जाएंगे। उसमें मान लीजिए लोक निर्माण विभाग हो चाहे कोई भी है उसको सेलेक्ट करने के बाद जिले के सभी 5 वनटांगिया गांव अब राजस्व गांव हो गए हैं। शासन द्वारा इसकी अधिसूचना जारी की जा चुकी है। ये जानकारी प्रभारी अधिकारी CDO अनुज सिंह ने दी। वे वनटांगिया ग्राम एवं मुसहर बस्ती के विकास कार्यों की समीक्षा कर रहे थे। उन्होंने बताया कि ग्राम पंचायत घोषित होने के बाद यहां समस्त विकास कार्यों का संचालन संभव हो जाएगा। उन्होंने विभागीय अधिकारियों को निर्देश दिया है कि वे सर्वे के बाद अब डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट एवं एस्टीमेट तैयार करा लें। DPRO ग्राम सभा को प्रस्तुत करेंगे। ग्राम सभा खुली बैठक में इसे स्वीकृत कराएगी और जिला स्तरीय समिति को स्वीकृति हेतु प्रस्तुत करेगी। नगर निगम कर्मचारी समन्वय समिति के बैनर तले धरना प्रदर्शन का आयोजन नगर निगम के रानी लक्ष्मीबाई पार्क में आयोजित किया गया। इस धरने का मुख्य उद्देश्य नगर निगम के कर्मचारियों का उत्पीड़न और समस्याओं को अधिकारियों द्वारा उपेक्षित किए जाने को लेकर था। धरने में मुख्य रूप से समिति के संरक्षक रविंद्र कुमार, वरिष्ठ उपाध्यक्ष देवेंद्र त्रिपाठी, उपाध्यक्ष शेषनाथ पांडे सहित अन्य पदाधिकारी मौजूद रहे। धरना दे रहे कर्मचारियों का कहना है कि कर्मचारियों की चिकित्सा प्रतिपूर्ति का भुगतान नहीं किया जा रहा है, साथ ही कर्मचारियों के भवन निर्माण के लिए भी ऋण उपलब्ध नहीं कराए जा रहे हैं। गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए समन्वय समिति के महामंत्री राम प्रकाश सिंह और अध्यक्ष कौशल कुमार शुक्ला ने बताया, कर्मचारी एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। अगर आयुक्त होश में आओ, होश में आओ। अगर आयुक्त परिभाग से नए वर्ष में इस दरी पर बैठने का मौका मिला है मित्रों। इस दरी की खासियत यह है कि आज कर्मचारी समाज 5वें वेतन आयोग तक दूर लटका करके घूमता था। इस दरी की देन है कि 6ठे वेतन में समस्त कर्मचारी समाज सर उठा करके चल रहा है, शान से चल रहा है, अच्छा जीवन व्यतीत कर रहा है। इस दरी की कीमत है, दरी की देन है। आज तक कोई भी कर्मचारी अगर हाथ उठा के बता दे कि बिना लड़े बिना हल्ला किए एक नया पैसा भी कभी किसी कर्मचारी को मिला हो, जब जब आप इस दरी पर बैठे हैं तब तक धीरे 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 आपको एक एक दिन उन्नति के रास्ते पर ही हमारा कर्मचारी समाज जा रहा है। लेकिन बीच में अंतराल कम हो गया था, दरी पर बैठने का क्रम हम लोग बंद कर दिए थे। अभी हमारे भाई राम प्रकाश सिंह ने बताया पूरे प्रदेश के 14 नगर निगम में तो 16 हो गए लेकिन हम 14 कहेंगे। अभी दो हमारे छोटे भाई मथुरा और फैजाबाद आए हैं। 14 नगर निगम में गोरखपुर नगर निगम सबसे नंबर 1 पर है मित्रों। ताली बजा करके आप लोग इसका स्वागत करिए। लखनऊ राजधानी है, 4 जोन में वहां 3 महीने से तनख्वाह कर्मचारियों को नहीं मिला है। 5-5 महीने 6-6 महीने से पेंशन किसी को नहीं मिल रहा है।
कहने का मेरे तात्पर्य मित्रों यह है, और नए वर्ष में आप सब लोग एक शुभ सूचना और हम दे दें कि कौशल कुमार शुक्ला भी सेवानिवृत्त हो गए। 31 दिसंबर को हम भी रिटायर हो गए। अगर आप जगेंगे नहीं तो धूल में मिला दिए जाएंगे। अध्यक्ष भाई अशोक पाठक जी आपके बीच में है, जिनके पास बटन लगी हुई है, दबा देंगे पूरा सारा अंधेरा हो जाएगा। भाई हमारे सुरेंद्र पांडे जी स्पीच में चालक पर चालक हाथ भरे कहां लगे, ये है बैठे हैं, एक बार बटन दबाएंगे पूरे शहर की सारी हमारे नगर निगम की सारा चक्का जाम हो जाएगा। राम मनोहर दास संजय श्रीवास्तव रुद्र यादव हमारी टीम जंगल की बैठी है, स्विच दबाएंगे पूरे शहर में वाटर सप्लाई बंद। निर्माण कर्मचारी आए हैं, सारा सड़क बिजली सड़क बंदा सब बंद ला देना था, अलाव जलना बंद, सारी व्यवस्था सारी अमेरिका की तरह से हम लोग सबसे शक्तिशाली विभाग के लोग हैं, हम लोग ताकतवर है, हर हथियार आपके पास है। महामंत्री ये कर्मचारी समस्याओं की लंबित मांगों को लेके कल हम लोग जो धरना प्रदर्शन का कार्यक्रम शुरू किए हैं उसका प्रभाव पड़ा है। उसी क्रम में नगर आयुक्त साहब ने एक वार्ता के लिए आज शाम 4 बजे नगर निगम के गेस्ट हाउस में एक वार्ता हो की गई है, उसमें कर्मचारी समस्याओं के समाधान में एक वार्ता होगी और समिति बन के वही निर्णय होगा। अगर निर्णय नहीं बनता है आगे हम लोग इससे भी ज़्यादा गंभीर परिणाम नगर निगम को दिखाएंगे। बहुत ही सफल हमारा कार्यक्रम रहा। आज हमारे समन्वय समिति के महामंत्री भाई राम प्रकाश सिंह जी द्वारा भूख हड़ताल प्रारंभ किया गया है, जिसमें हम नगरायुक्त महोदय से निवेदन करेंगे कि हम सब लोगों को समय रहते वार्ता बुला करके कर्मचारी समस्याओं का समाधान करें, जिससे अनावश्यक आंदोलन से हम महानगरवासियों को परेशान न करें, और यदि हम हमारी समस्या का समाधान नहीं हुआ तो आंदोलन करना हमारी मजबूरी है। इसके लिए हम महानगरवासियों से हम माफ़ी मांगते हुए प्रशासनिक अधिकारियों से निवेदन करेंगे, महापौर से निवेदन करेंगे कि वो हस्तक्षेप करके इस टकराव को टालें और हमारी समस्याओं का समाधान कराएं। धन्यवाद। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए नगर आयुक्त प्रेम प्रकाश सिंह ने बताया कि कर्मचारियों की मांग के संबंध में कमेटी का गठन कर दिया गया है, जल्द ही इस पर विचार करके निर्णय ले लिया जाएगा। अपनी कतिपय मांगों को लेकर के यहाँ नगर निगम कार्यालय में धरना प्रदर्शन किया गया है, एक कर्मचारी भूख हड़ताल पे भी बैठे हैं, उसके संबंध में अवगत कराना है कि कर्मचारियों की कुछ प्रमुख मांगे हैं जिनमें मृतक आश्रितों को नौकरी पे रखा जाना, चिकित्सा प्रतिपूर्ति देना, बिजली विभाग के कई कर्मचारी थे जो निलंबित किए गए थे उनकी पुनर्बहाली के लिए काम के घंटों में सुधार, और इन सभी कार्यों में पूर्व में ही कार्रवाई की जा चुकी है। मृतक आश्रित में जो लंबित प्रकरण थे इनके धरने प्रदर्शन से काफ़ी दिन पहले ही उनको उनका उसको लाभ दिया जा चुका है। बिजली विभाग के कर्मचारियों को भी पिछले 10 दिन पूर्व ही एक जेई छोड़ के जिनके खिलाफ न्यायालय में मामला लंबित है, बाकी कर्मचारियों को जांच अधिकारी की आख्या के अनुरूप कार्रवाई करते हुए उनको बहाली की कार्रवाई पूर्व में की जा चुकी है। एसीपी का लाभ दिए जाने के लिए समिति का गठन कर दिया गया है, साथ ही साथ हाउस लोन और मेडिकल चिकित्सा प्रतिपूर्ति पूर्व में भी दी जा रही थी और अभी भी वो जारी है, ये उनको अवगत करा दिया गया है। साथ ही साथ अपर नगर आयुक्त के नेतृत्व में एक कमेटी बनाई गई है जिसमें लेखाधिकारी MNLP और GM जलकल ये शामिल हैं, ये कर्मचारियों से बात करके इनकी जो भी उचित मांगे हैं वो तुरंत उन पर निर्णय लेके उसको पूर्ण कराया जाएगा। साथ ही जलकल के कर्मचारी चाहते हैं कि उनको छुट्टी के दिनों में जो कार्य किया जा रहा है उसका वेतन दिया जाए, इस संबंध में और एक अन्य प्रकरण में शासन से दिशा निर्देश मांगा गया है, जैसे ही शासन से दिशा निर्देश प्राप्त हो जाएगा हम उनको लाभ दे देंगे। हम स्वयं चाहते हैं कि कर्मचारी जो हमारे अपने परिवार के अंग हैं, हमारे भाई हैं, हम उनको जो भी उनके लाभ हैं वो सब उनको प्राप्त कराते रहें, लेकिन कुछ प्रकरण है जो शासन से संदर्भ किए जा चुके हैं और शासन के होने पर ही उनको लाभ मिलेगा, बाकी सारी चीज़ों से उनसे वार्ता हो रही है, अब शीघ्र ही अपने मतभेद दूर कर लेंगे।
वहीं दूसरी ओर गोरखपुर न्यूज से दूरभाष से हुई वार्ता में नगर निगम कर्मचारी समन्वय समिति के महामंत्री राम प्रकाश सिंह ने कहा कि हम किसी भी कमेटी पर विश्वास नहीं करते हैं, हम सीधे नगर आयुक्त से वार्ता करेंगे। किसान मित्र योजना बहाल कराने हेतु किसान मित्र के सदस्यों ने ब्रिजेश प्रताप की अध्यक्षता में नगर निगम स्थित रानी लक्ष्मीबाई पार्क में बैठक किया। सदस्यों का कहना है कि हम लोगों की यह मासिक बैठक है। इस संबंध में उन्होंने गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए बताया, सरकार ने इसको बंद कर दिया था। ये पूरे प्रदेश में 52,000 किसान मित्र काम करते थे और इन किसान मित्रों के रहने से पूरे प्रदेश की पैदावार बढ़ी थी, यह तत्कालीन सरकार भी मानती थी। लेकिन 2010 में मायावती सरकार ने इस योजना को बंद कर दिया। तभी से किसान मित्र पूरे प्रदेश में लामबंद होकर के किसान मित्र योजना को बहाल करने के लिए धरना प्रदर्शन और बैठक का आयोजन करते हैं। और बीच में सरकार बदली, सपा की शासन में भी किसान मित्रों ने प्रयास किया, आश्वासन भी सपा सरकार ने दिया था, लेकिन किसान मित्र योजना लागू नहीं की। फिर भाजपा सरकार से वार्ता हुई, भाजपा सरकार ने भी लागू होने के लिए इसको आश्वासन दिया था किसान मित्रों को, और आज हम लोग अभी तक ये योजना लागू नहीं हुई। आज हम लोग शासन पर दबाव बना रहे हैं बैठक और धरना प्रदर्शन के माध्यम से, मासिक बैठक करके इस बात को शासन को संदेश देना चाहते हैं कि किसान मित्र योजना लागू हो, ताकि जो मोदी जी का यह मिशन है कि 2022 में पूरे देश के किसानों की आय दुगनी हो जाए, यह उनका सपना साकार हो सके। सिख समुदाय द्वारा पूरे भारत सहित प्रत्येक प्रांत में सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह का प्रकाश पर्व मनाया जाता है। इस मौके पर महानगर में भी सिख समुदाय के लोगों ने गुरु गोविंद सिंह के 391वें प्रकाश पर्व का आयोजन किया, जिसमें भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। ये शोभा यात्रा मोहद्दीपुर गुरुद्वारे से निकलकर शहर के अलग अलग स्थानों से होती हुई जटाशंकर स्थित गुरुद्वारे पर जाकर समाप्त हुई। इस दौरान युवाओं ने अपने कर्तव्य दिखाते हुए अपने शौर्य का प्रदर्शन भी किया, जिसे देखने के लिए सैकड़ों की संख्या में लोग मौजूद रहे।
चलते चलते जल्दी जल्दी नजर डाल लेते हैं हेडलाइंस पर। गोरखपुर लोकसभा उपचुनाव में सभी बूथों पर लगेगी ईवीएम के साथ वीवीपैट मशीन। आरटीओ कार्यालय में हुआ फेल को पास करने का खेल। मामला खुलने पर बयानों से लीपापोती करने का कर रहे हैं असफल प्रयास। भाई ने ही की थी भाई की हत्या, पुलिस ने किया खुलासा। विश्वविद्यालय शिक्षक संघ के पदाधिकारियों ने कुलपति को अपने मांग संबंधी सौंपा ज्ञापन। पूर्वांचल बैंक के अध्यक्ष एके सिन्हा ने प्रेस वार्ता कर कहा किसी भी मामले से कम नहीं है पूर्वांचल बैंक। असलहा बनाने वाले गैंग का पुलिस ने किया खुलासा, चार गिरफ्तार। प्रभारी जिलाधिकारी सीडीओ अनुज सिंह ने दिया निर्देश, अतिक्रमण हटाने के बाद यदि पुनः अतिक्रमण हुआ तो दर्ज होगी एफआईआर और देना होगा जुर्माना। जिले के सभी 5 वनटांगिया गांव अब राजस्व गांव हुए, शासन ने जारी की अधिसूचना। नगर निगम कर्मचारी समन्वय समिति का धरना प्रदर्शन जारी, बैठे भूख हड़ताल पर। किसान मित्र योजना बहाल करने की मांग को लेकर किसान मित्रों ने नगर निगम रानी लक्ष्मीबाई पार्क में की बैठक। और गुरु गोविंद सिंह का मनाया गया प्रकाश पर्व, युवाओं ने किया शौर्य प्रदर्शन। इस बुलेटिन में बस इतना ही, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत और देखते रहिए गोरखपुर न्यूज। नमस्कार।